हाय एवरीवन, वेलकम इन लर्न विद ज्ञान। सो बेसिकली आज हम जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के बारे में देखने जा रहे हैं। मैं बता दूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता बेसिकली WBJEE के द्वारा एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है, और इस WBJEE के अंदर भी बहुत सारे कॉलेज हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी को छोड़कर, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और IIT के अप्रोक्स में मानी जाती है। IIT आई एम नॉट कम्पेयर टू IIT दिल्ली और टॉप जो पुराने IIT हैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो नए IIT हैं उनसे अच्छे हैं। और उनके अभी मैं तुम्हें पैकेज और जितने भी इनके कटअप है उसे देख कर तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी कॉलेज है। और इसमें अगर तुम्हारा हो जाता है तो तुम IITian से कम नहीं हो, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है और इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि इसके कटअप क्या है, कोर्सेज़ क्या है। पहले मैं बता दूँ कि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जो WBJEE के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक सिंगल कॉलेज है और जो कि WBJEE के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज मत होना कि WBJEE सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाती है। WBJEE से हम बहुत सारी कॉलेज में जा सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी उसमें से एक है, ठीक है। तो पहले फिलहाल जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, उसके बाद मैं WBJEE के अगर टाइम बचता है तो और सारे कॉलेज को भी एनालिसिस करूंगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी बेसिकली कोलकाता में, इसका एड्रेस मिल सकते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी यहाँ बेसिकली। इसकी मैं रैंकिंग बताऊं, ये रैंकिंग जो हम जितने भी कॉलेज अभी तक मैंने अभी तुम्हें बताया है, लगभग अप्रॉक्स IIT को अभी तक कवर नहीं किया मैंने, जितने भी कॉलेज देखे होंगे तुमने, नेशनल रैंकिंग होगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो पहले मैं अभी रैंक बनाने जा रहा हूँ, इसको इंटरनेशनल रैंकिंग अभी दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। ऑल्सो उन्होंने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता एंड JU कोलकाता, ठीक है। 1955, जो कि काफ़ी पुराना कॉलेज है। और इस अगर तुम्हें नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन उतरना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, और डिस्टेंस है 24 किलोमीटर कोलकाता से। अगर रेलवे स्टेशन से देखो तो 17 किलोमीटर डिस्टेंस है। रैंकिंग की बात करूँ, मैं वैसे ही बोल रहा था कि जब वर्ल्ड रैंकिंग पे 601 पे आती है, मैं तुम्हें बता दूँ IIT दिल्ली का रैंकिंग 200 समथिंग था वर्ल्ड वर्ल्ड में। तो जादवपुर 601 पे स्टैंड करती है। मुझे लगता है कि जादवपुर की अगर तुम NIRF रैंकिंग देखोगे तो ये टॉप 10 के अंदर आती है। और अगर मैं इसको एनालिसिस करूँ तो बिट्स पिलाने के बाद मैं इसको रैंक देना चाहूँगा जादवपुर यूनिवर्सिटी को, टॉप 7 IIT के बाद से। तो तुम अपने हिसाब से भी इस चीज़ को देख सकते हो। इसमें एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन लेने के लिए हमें एक WBJEE का एग्जाम देना पड़ता है। WBJEE का एग्जाम कब, इसका आई थिंक सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, 22 जनवरी को लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का। और इसकी अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन के थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स बताने की कोशिश करूँ तो इसमें देख लो, ये डिटेल्स हैं, कंडक्टिंग बॉडी WBJEE बोर्ड, और इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है बेसिकली मई 26 को, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था 22 तारीख को ही खत्म हो गई थी, ठीक है। तो 22 तारीख को खत्म हो गई थी दिसंबर के, इससे नोटिफिकेशन आया था 26 से 22 जनवरी तक इसका चला था एप्लीकेशन फॉर्म, और करेक्शन विंडोज खुली थी 25 जनवरी तक, और जो एडमिट कार्ड 14 तारीख को अवेलेबल हो गया होगा, और WJEE एग्जाम डेट है 26 के साथ, अगर डिक्लेरेशन रिजल्ट जुलाई 2 के अप्रोक्स, टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव मतलब ऐसा है अप्रोक्स माना गया है, हो सकता है इनसे कुछ उलट पुलट भी हो जाए, ठीक है। तो आप बात करें अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो देखो कोर्सेज जो भी 4 ईयर BTEC के लिए देते हैं बेसिकली, अगर तो उसमें देखो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और ऐसी सीटें हैं, ठीक है। 5 ईयर का भी कोर्स है इसमें, वो है BR, जो कि सेकेंड JEE Main 2 के लिए पेपर देते हैं हम, वही होता है आर्किटेक्चर का पेपर। सीट मैट्रिक्स देखना हो तो इसको देख लेते हैं, सीट मैट्रिक्स बेसिकली, सीट मैट्रिक्स अगर हम देखें जादवपुर यूनिवर्सिटी की, तो ये सब इतनी सीटें हैं हर ब्रांच के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा कोटा तो होगा ही, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 116, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का देखूँ तो 86 है। और अभी कंप्यूटर साइंस के तुम रैंकिंग देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाओगे, इसमें मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस की रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाती है। पहले फीस की बात करते हैं फिर कटअप की बात करेंगे। देखो फीस काफ़ी कम है कंपेयर टू IIT एंड NIT। अगर तुम इसकी फीस की बात करो, सिर्फ 30,000 है फीस, और एक फॉर 1 ईयर, ठीक है। और अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेते हो तो, और अगर तुम्हारा अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अलग है, तो तुम्हारी सिर्फ 5710 फीस है फॉर 2 ईयर्स, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती फीस है। और इसकी हॉस्टल रेंट देखो कितनी कम है, 3000 हॉस्टल रेंट है, और टोटल आई थिंक कितना हो गया ये 3200 के करीब तुम्हारे मंथली है बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा पर ईयर है बेसिकली। तो इसकी देख सकते हो तुम्हारी मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी लाइक, तो तुम्हें फीस वहाँ पे पे करना ही नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है वहाँ पे, तुम्हें वो चीज़ें WBJEE का एग्जाम निकालना है। ये मैं बता दूँ कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी आती है। अगर तुम प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके पेज भी देख सकते हो, कॉलेज प्रवेश पे आके लिख देना कि जादवपुर यूनिवर्सिटी तुम्हें दिख जाएगी यहाँ पे। तुम्हें अगर तुम्हें प्लेसमेंट परसेंटेज देखना है सभी का, तो देखो केमिकल इंजीनियरिंग की 88% है प्लेस, केमिकल इंजीनियरिंग की जब 88% है तो सोच लो कंप्यूटर साइंस कितनी होगी, देख लो 100%, यानी इवन जितने बच्चों ने बैठे हैं उस सबका प्लेसमेंट हो गया है।
मैंने पहले बोला कि आईआईटी के कंपेयर के कॉलेज है, और टॉप 7 आईआईटी के बाद अगर मैं तुम इसका रैंक देना चाहोगे तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन बिट्स प्लानिंग से तुम इसको आगे मान सकते हो, या दोनों की एक एक पायदान पे रख सकते हो, या दोनों को सेम कैटेगरी में रख सकते हो। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी, हाईएस्ट पैकेज देखो अगर तुम कंप्यूटर साइंस की बात करो तो 42 लाख, 42 लाख बेसिकली डोमेस्टिक पैकेज है, जो कि आई थिंक ओरेकल वगैरह में होगा जो भी है उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 27,000 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 39,000 है। सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर ब्रांच में गया होगा, तो ये सब प्लेसमेंट तुम देख सकते हो। एवरेज प्लेसमेंट जिसपे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, अगर तुम कंप्यूटर साइंस की देखो तो यार देखो ये आईआईटी से कम नहीं है, 19.96 एवरेज प्लेसमेंट अगर कंप्यूटर साइंस किसी का हो जाना है, इसका मतलब काफ़ी अच्छी। 20 लाख की प्लेसमेंट अगर है तो ये समझ सकते हो कि आईआईटी से बिल्कुल कम नहीं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि इंडिया एक्सेप्ट करती है WBJEE की, जो बेसिकली तुम एग्जाम देते हो उसमें बेसिकली 101 कॉलेज, 101 कॉलेज फाउंड लिख रहा है। कैरियर इंजीनियरिंग कैरियर 360.com एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका लिंक खोला है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तुम इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो, पहली रैंक ही आती है आई थिंक ये फीचर है, तो इसमें तो प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे। तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो ये सब जो कॉलेज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेज हैं जो WJEE के। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट रैंक पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो WBJEE के अंदर आता है, दूसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, थर्ड नंबर पे है IIM कोलकाता, एंड फोर्थ पे मौलाना अबुल कलाम, एंड फोर्थ फिफ्थ पे कल्याणी गवर्नमेंट, एंड फोर सिक्स पे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब कॉलेज है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर तुम देखो तो इसमें तुम देख सकते हो कि सीपुर जो IIIST सीपुर है बेसिकली जेई मेन का एक्सेप्ट करता है, मैंने इसका कटअप दिखा रखा है जेई मेन का, तुम जाके जेई मेन के प्लेलिस्ट में तुम देख सकते हो। और EWBJEE एक्सेप्ट भी करता है, और अगर तुम एमटेक करना चाहते हो तो गेट एक्सेप्ट करता है, आई थिंक गेट से भी एक्सेप्ट करते हैं अगर एमटेक अकाउंट में कोर्स होता है तो। ठीक है, IIM मैंने अभी इसके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बताया था, अभी बताया था IIM कोलकाता, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, WBJEE एक्सेप्ट करती है और जेई मेन एक्सेप्ट करती है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी मैंने बताया, ये भी गेट एक्सेप्ट करती है और जेई मेन एक्सेप्ट करती है, और WBJEE भी एक्सेप्ट करती है। तो इसकी रैंकिंग तुम देख सकते हो, इसकी हर कॉलेज के बारे में तुम जाके कटअप देख सकते हो अपने सारे को, सभी का कटअप देखना अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो इसकी तुम देख सकते हो कि कितने कॉलेज हैं WBJEE के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। तो अगर तुम्हारा सिर्फ बहुत सारे इसमें ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ WBJEE से ले रहे हैं, WBJEE से ही ले रहे हैं केवल, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो जेई मेन से ले रहे हैं, तो तुम्हारा अगर जेई मेन में हो जाता है तो तुम इन सब कॉलेज को चांस दे सकते हो। ये सब कॉलेज अच्छे ही हैं, अगर टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेज अब जो भी हैं कोलकाता में या जो भी बैंगलोर में वेस्ट बंगाल में, उनमें तुम चांस ले सकते हो और उसमें अच्छी पढ़ाई तुम कर सकते हो। मैं पहले बता दूँ इसमें से कुछ कॉलेज प्राइवेट भी हैं, कुछ कॉलेज गवर्नमेंट भी हैं, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज खराब होंगे, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे होंगे, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी उनमें सबसे बेस्ट है, और उसकी रैंकिंग अभी कटअप तुमने देख ली होगी, देख ली बेसिकली। तो अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आया तो मैंने एक इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाके मैंने एक नई पेज बनाई है, तुम उसको जाके लाइक कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे अगर तुम्हें कोई भी रिलेटेड डाउट है तो। और मेनली मैंने वो जो लिंक मैं इंस्टाग्राम का देने जा रहा हूँ बेसिकली, वो मैंने सिर्फ लर्न विद ज्ञान के लिए पेज ही बनाया है, तो वहाँ पे बहुत सारे जैसे तुम लोग बहुत सारे जो कम्युनिटी तुम जुड़ोगे ना, तो एक दूसरे को तुम हेल्प कर सकते हो। कोई बच्चा अगर वेस्ट बंगाल का है और अगर कोई पटना का है तो वो बता सकता है कि बिहार में कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कोई दिल्ली में कौन से कॉलेज अच्छे हैं, तो उन सब की कॉलेज की लिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम आई थिंक अच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में तुम आके लिख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं भी उसमें कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हेल्प हो जाए। ठीक है, और उसकी पढ़ाई करते रहो, एंड अप्रैल के लिए जेई मेन, अप्रैल के लिए ऑल द बेस्ट, आई होप तुम अच्छे से कर रहे होगे, तो यार फोकस बनाए रखो और जेई मेन अप्रैल बहुत अच्छे से दो।